हेलो गाइज, मैं हूँ शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसी वीडियो के साथ में मैं क्लास ट्वेल्थ की पहली वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। सो दैट आप इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद में जो है आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि मुझे क्या क्या बदलाव करने चाहिए खास करके क्लास ट्वेल्थ को पढ़ाने के लिए। अब दोस्तों आ जाते हैं बुक पे, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। तो दोस्तों चैप्टर वन जो है हमारा, जिसका नाम है ईट, मनके और अस्थियां, आज दोस्तों हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप जब इसको पढ़ने बैठेंगे तो दोस्तों आपका जो मन है वो एक बार भी हटेगा नहीं। सबसे खास बात यह है कि जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और दोस्तों इस बुक में सारे चैप्टर इंडिया के बारे में दे रखे हैं तो आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। इंडिया का मतलब है कि भारत से रिलेटेड ही सारे के सारे चैप्टर हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपके पास जो इतिहास है इसकी टोटल 3 बुक्स हैं, तो दोस्तों 3 बुक्स को हम एक ही बुक मान लेते हैं, यानी कि टोटल 15 चैप्टर हैं। इसमें से कुछ चैप्टर इस साल के लिए कम कर दिए गए, लेकिन फिर भी जो लोग कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी, तो उनके लिए मैं ये जो चैप्टर हैं ये कम्प्लीटली पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। दोस्तों इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स और इस बुक के बाकी सभी चैप्टर्स दोस्तों मैंने इस वाले पेज पर जो है लिस्ट कर दिए हैं। तो अगर आपको कोई और चैप्टर या फिर किसी चैप्टर का कोई भी पार्ट या फिर किसी भी टॉपिक को ढूंढना है तो आप इस वाले पेज पर जाकर के आसानी से उस टॉपिक की वीडियो को देख सकते हैं। इस पेज की लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चैप्टर में दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चैप्टर का नाम ईट, मनके और अस्थियां क्यों रखा गया है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए था, लेकिन गाइज अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चैप्टर पे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इस चैप्टर में आपको ईंट से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी कि ईंट से जुड़े हुए जैसे क्या क्या हो सकते हैं, ईंट से जुड़ा हुआ हो सकता है आपका घर या फिर रास्ते, जो मतलब रास्ते बनाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ईंट से और कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं, जैसे कि आपके नाले हो गए, तालाब हो गए, कुएं हो गए, और दोस्तों इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आपकी रोड की जो पद्धतियां हैं, ग्रिड पद्धतियां हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसलिए इसका शॉर्टकट नाम जो है यहाँ पर ईट रख दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं मनके की, तो मनके से रिलेटेड आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है आभूषणों से लेकर के दोस्तों यहाँ के शिल्पकारी तक और भी जितनी चीज़ें हैं, जैसे कैसे इनकी शिल्पकारी हुआ करती थी, कहाँ पर ये आभूषण बनाते थे, ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता के लोग, और दोस्तों यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है पढ़ने को मिलेंगी। बात करते हैं अस्थियों की, तो अस्थियों का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर हड्डियाँ, लेकिन इस चैप्टर में इस चैप्टर का नाम रखा गया है अस्थियाँ, जिसका मतलब ये निकल करके आता है कि इस चैप्टर में आप इन हड़प्पा सभ्यता के अंतिम काल के बारे में भी थोड़ा सा दर्शन करेंगे। हालांकि हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंतिम चरण था वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी कैसे एंड हुआ इसका, यानी कि कैसे खत्म हो गई। दोस्तों आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं, जो भी मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ आप इन सबको बहुत ध्यान से समझते जाइए, आप सबसे पहले इस मुहर को देखिए, और इस मुहर पे दो चीज़ें बनाई गई हैं। पहली चीज़ है छोटे छोटे कुछ फिगर और दूसरा सा है एक बड़ा सा बैल। दोस्तों बात करें अगर बैल की, तो यहाँ पर आप बैल को देख करके बेशक कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बैल है जो कि खेती करने के काम में आता होगा या फिर जो है इनका बहुत ही पसंदीदा पशु रहा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बट इसको हम अभी तक पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो ये चित्राकार लिपि है, ठीक है, यहाँ पर देखो आप ध्यान से कि चित्र ही चित्र बने हुए हैं, एक ये पता नहीं क्या बना करके रखा है, फिर ये कुछ डंडे हैं, फिर ये कुछ मछलियाँ बनाई हुई हैं, कुछ आपको यहाँ पर केकड़े या कुछ चार पांच पैरों वाले मकड़े वगैरह जैसे कुछ आकृतियाँ हैं। माफ़ करना, बगल में आइसक्रीम बेचने वाला है तो आपको जो है वो आइसक्रीम के लिए बुलाना चाहता है, तो खा लो अगर के भाई, और कमेंट में बताना ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके की लिपि है जिसको पढ़ना लगभग हमारे लिए इम्पॉसिबल है, और गाइस जब हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में खबर देने के लिए सिर्फ उनकी लिखावट ही काफ़ी नहीं है, हम कई और चीज़ों से भी उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो है निकाल सकते हैं, और हमने निकाला भी है। आज हमारे सामने हड़प्पा सभ्यता की पूरी डिटेल है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे सामने क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम काफ़ी सारी जानकारी निकाल सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि उनके आवास, आवास का मतलब होता है यहाँ पर घर, फिर मृतभांड। ये जो मृतभांड शब्द है ये काफ़ी सारे लोगों को जो है ना कन्फ्यूज करता है। मृतभांड का मतलब क्या होता है? मृतभांड, ठीक है, मृतभांड को हम दो भाषाओं में जोड़ सकते हैं, मतलब दो शब्दों में तोड़ सकते हैं गाइस। पहला है मृत, मृत माने होता है, देखो आप में से मुझे उम्मीद है जिनको मृतभांड नहीं पता होगा, मृत का मतलब मरा हुआ जरूर बोले होंगे कुछ लोग, क्योंकि
मैंने इससे पहले भी कई सारे लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो जब पूछता हूँ मृदभांड का मतलब क्या होता है तो 90% लोग ज़्यादातर तो जानते नहीं है, और जो लोग जानते नहीं है वो लोग फटाक से बोलते हैं मरे हुए, और भांड शब्द का कोई मतलब ही नहीं निकाल पाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मृत का मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब होता है चीज़ें, ऐसी मिट्टी की बनी हुई चीज़ें जो जमीन के अंदर से खोद करके निकाली जाती हैं, उनको दोस्तों हम लोग मृदभांड की संज्ञा दे देते हैं। वो बेसिकली कुछ भी हो सकता है, एक टूटा हुआ मटके का छोटा सा पार्ट हो सकता है या फिर एक बर्तन का छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। तो मृदभांडों के बारे में जो है हमें यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। कहने का मतलब जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। फिर इसके बाद में गाइस सिक्के तो हमको जो है इनकी जो मोहरें हैं वो हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पाई, लेकिन आभूषणों ने बहुत जानकारी दी। आभूषण मतलब फिर चाहे औरतों के हों या फिर आदमियों के हों, और तो और काम करने के तरीके जो होते हैं वो औजारों से पता ही चल जाता है कि भाई तुम्हारे किस लेवल के औजार हैं। फिर कुछ मोहरें हो गई जो दूसरे जगहों की आती थी, वहाँ से भी हमें कुछ पता चल गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस तरीके से जो है चल रही थी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं मैप से। जो मैप है हमारा ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास में 2-3 स्टूडेंट है गाइज, मैंने उनसे पूछा कि आप इस मैप को जो है याद कर लो आराम से, मतलब मैंने याद करने के लिए कहा फिर पूछा याद हो गया, तो उनका जवाब आता है कि सर हमको अभी तक मैप के बारे में पता ही नहीं चल पाया है कि ये जगह है कहाँ। तो आप इस चीज़ को देखो यार, ये वाला जो मैप है जो आपकी बुक में दे रखा है, ये जो आपको मैप इस समय दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इस मैप में ऐसा क्या है कि आप इसको जान नहीं पा रहे हैं कि ये कहाँ का मैप है। ठीक है, किसी भी बच्चे को दिखाओगे तो वो फटाक से बोल देगा गाइज ये तो जो है आपके इंडिया का मैप है, ये इंडिया के उत्तर भारत का जो मैप ये बना रखा है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी भारत है गाइज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को नहीं पता चल पा रहा है, मैं उनको बता दूं यहाँ पे कि ये जो है उत्तर भारत का मैप, मैंने पूरा यहाँ पर भारत दिखा दिया है। इस पार्ट में यहाँ पर दोस्तों ये जो आप पार्ट लाल लाल सा देख पा रहे हैं, ये पूरे भारत और पाकिस्तान का पुराना जो मैप है उसको मिला करके बनाया गया है। तो बेसिकली जो हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी कुछ हद तक भारत में और कुछ हद तक पाकिस्तान के एरिया में प्रेजेंट टाइम पर आती है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि ये आती कहाँ से है। तो देखो बेसिकली हुआ क्या था कि 19वीं शताब्दी में जब पाकिस्तान में गाइस, वहाँ पर कहने का मतलब है जो पाकिस्तान का एरिया है उस जगह पर गाइस रेलवे लाइन पड़ रही थी, तो रेलवे लाइन के टाइम पर जो मजदूर थे उन्होंने जब रेलवे लाइन के लिए जो है खुदाई करना शुरू किया आसपास में, मतलब भाई एक नक्शा तो पास होता ही है कि रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो जब वो खुदाई कर रहे होंगे किसी चीज़ की तो उन्होंने देखा कि अंदर से एक ईंट निकला है बहुत बड़ा सा, तो वो उस ईंट को उठा करके लेकर के छुपके से चले गए क्योंकि ईंट बहुत अच्छा था। उसके बाद में गाइस उन्होंने और खुदाई की तो देखा वहाँ पर तो और ईंटें निकल रही हैं, फिर बहुत सारी ईंटें निकल रही हैं, तो इसकी जानकारी उन्होंने अपने जो है आगे किसी पर्सन को दी जिसने ये बात आगे तक पहुँचाई, और गाइस पूरी की पूरी जो सभ्यता थी वो हमारे सामने निकल करके आने लग गई। तो ये सभ्यता जो है ये हड़प्पा सभ्यता हमारी तब से चली आ रही है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और भी बता दूँ जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है। हुआ क्या था कि अभी से बहुत समय पहले, तकरीबन आप अगर 8वीं शताब्दी में जाएंगे तो उस टाइम पर भी हड़प्पाई जो ईंटें थी ये एक बार प्रकाश में आई थी, यानी कि लोगों को ईंटें मिली तो लोगों ने इन ईंटों को ले जा करके छुपा छुपा के अपने घर में रख लिया। बाद में पता चला कि बहुत सारी ईंटें मिसिंग हैं, गायब हो चुकी हैं, वो कहाँ हैं, तो रिसर्च में या ढूंढने ढाड़ने पर होता नहीं है, मतलब ऐसे ही ईंटों के लिए जो है CBI, खैर ज़्यादा बोल दिया मैंने, ईंटों के लिए भी रिसर्च जब करी गई तो वो पता चला कि ये जो ईंटें हैं ये गांव वाले आसपास के काफ़ी सारे लोग उठा ले गए। तो ऐसा सीन हुआ था यहाँ पर ईंटों के साथ में। गाइज अब आपको मैं कुछ सीन दिखा देता हूँ, मतलब कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले इस फिगर को देखिए, ये हड़प्पाई स्थान है जहाँ पर कुछ इस तरीके के प्लेसेस देखने को मिलते हैं। अब ये ऐसे प्लेस हैं जो कि बहुत पुराने हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग ढंग से बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले इनके फिगर्स को देख लो कि किस तरीके की सभ्यता होने वाली है। फिर इसके बाद में गाइस आप ये फिगर देखो, ये इस तरीके के जीने यहाँ पर बनाए गए हुए थे उस टाइम पर। सोचो कैसे इतना ज़्यादा दिमाग लगाया। आज हमारे मिस्त्री लोग होते हैं जो घर बनाते हैं, जो दीवारों को बनाते हैं गाइस, वो एक धागा रखते हैं, आप नोटिस करते होंगे धागा इस तरीके से वो रखते हैं, सारी चीज़ों को नापते हैं और ईंट पर ईंट रख के बहुत अच्छे तरीके से दीवार बनाते हैं। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो ये घर है, और ये घरों के नक्शे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, एक कमरा यहाँ पर बना हुआ है, फिर इस तरीके से ये कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। आप देख सकते हो कि ये दीवारें बनी हुई हैं और ये सभी जो है सीढ़ीनुमा बना रखा है इन लोगों ने, मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर, जो आजकल हमारे यहाँ के गांव में रहने वाले जो बिना
मतलब स्कूल या आधुनिक दुनिया से कांटेक्ट रखते हैं गाइस, उनके भी दिमाग में इतनी नहीं आ सकती। आप चाहे किसी भी आदिवासी जगह पर चले जाओ, वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते। बट ये आज से जो 4500 साल पहले, 5000 साल पहले की सभ्यता है गाइस, वहाँ पर इतनी ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी से घर बनाए जाते थे। मेरे हिसाब से तो वो सब लोग जो है पूरा नाप जोख करके हर एक चीज़ को बनाते थे, ठीक है, और डेफिनेटली वो नाप जोख करके ही बनाते थे। तो ये चीज़ें हो गई। अगली अगर आप इमेज देखोगे तो आप ये जीने देखो, ये सीढ़ियाँ देखो, यहाँ पर आप डिज़ाइन देखो, ये किस तरीके से बना रखा है गाइज, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया, जैसा खोदने पर मिला वैसा ही आज तक है। और गाइज अगर इन ईंटों की उम्र निकाली जाए तो ये ईंटें तकरीबन 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी देखने को मिलती हैं। वही तकरीबन अगर हम 5000 साल बोलेंगे तो वो तकरीबन आपका जो है 2500 ईसा पूर्व के आसपास में चला जाएगा। तो ये जो है 2500 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर के आपकी जो इमेजेस हैं, ये सारी ईंटें विटे, ये 1900 ईसा पूर्व तक की मानी जा सकती हैं। तो ये कुछ ईंटें हो गई। इसके बाद में गाइज अगर आप ये वाली फिगर देखेंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक स्थल है, जहाँ पर ईंटों का आप बिछाना देखिए, मतलब कितने सटीक तरीके से इन ईंटों को बिछाया गया है। आप इन चीज़ों को नोटिस करो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद में जो है यहाँ पर ये मतलब ग्रिड पद्धति, ये मोड़ने की टेक्नोलॉजी, कितने 90 डिग्री पर सारे घरों को बनाया गया है। और इसी के साथ में जो रोड थी गाइस, वो भी 90 डिग्री पर ही कट करती थी। हालांकि तो महल के अंदर का सीन हो गया छोटा सा, कह सकते हैं कि एक स्नानागार है, यहाँ से आप उतर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर पानी भरा जाता था, ठीक है, और पानी के चारों तरफ में कुछ कमरे बने हुए थे, उन कमरों में जो है इसके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इस चीज़ को सोचो कि अगर आज के ज़माने में अगर हमको ऐसा एक स्नानागार बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, उसमें क्या बुद्धि लगाएंगे, कितने आजकल क्या होता है स्नानागार, तो सिंपल अगर स्नानागार बोल लूँगा तो बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पा रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ क्या बोल दूंगा इतना, मतलब स्विमिंग पूल, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली एक स्विमिंग पूल है गाइस, तो ये उस टाइम का स्विमिंग पूल है। आप इस चीज़ को फील करके देखो कि कैसा रहा होगा यार वहाँ का सीन, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा। अभी हम लोग चैप्टर पर भी चलेंगे, लेकिन आपको मैं सारी चीज़ों के दर्शन करा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग चलते हैं। अगला अगर हम लोग देखते हैं गाइस, ये एक नगर का मैप बनाया गया है, जो हड़प्पाई नगर का, मतलब एक किसी कलाकार ने जो है वहाँ की चीज़ों को देखते हुए अनुमान लगाया होगा कि इस तरीके की उस ज़माने के घर, इस तरीके की उस ज़माने की चीज़ें रही होंगी। तो गाइस ये जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये हड़प्पाई शहर का, हड़प्पाई नगर का मेन गेट था, ठीक है। तो इस मेन गेट से ये औरत जाती हुई दिखाई दे रही है, जो सर पे अपने को सामान रखी है, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपने बच्चे को खिला रहे हैं। आप बिल्डिंग्स देख सकते हो, छत देख सकते हो, इनका गेट देख सकते हो, जो कि हड़प्पाई नगर की एंट्री गेट हुआ करता था। और आप आसपास के लोगों को देखो, वो लोग भी किसी अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गाइज ये एक कल्पना है, ठीक है, ये असली फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमें आकृतियाँ मिली हैं, यानी कि जो ज़मीन पर ढांचा, जो नींव मिला है, उसी के आधार पर अगर हम कल्पना करें कि कैसा उनका शहर रहा होगा, तो बिल्कुल ऐसा रहा होगा। इसके बाद में गाइज एक आप ये फिगर और देख लो, ये लोथल में जगह पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है ये? लोथल में पड़ती है। तो इस फिगर में क्या है कि आप इन ईंटों को देख सकते हो, कितनी सटीक तरीके से जो है बिछाया गया है, और ये आपको बिल्कुल 90 डिग्री के ग्रिड पद्धति पर सारे के सारे भवन देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली कह सकते हैं कि जन सामान्य लोगों के घर थे, मतलब किसी बहुत राजमहल वाले लोगों के घर नहीं है, ये नॉर्मल से पर्सनल लोगों के घर हैं। तो जो आम आदमी होते हैं गाइस, ये उन लोगों के घर हैं, मतलब उस टाइम के जो लोग हैं होंगे उनके। तो अगर ये घर हो, महल हो, गोदाम हो, कुछ भी हो, तो आप इनकी डिज़ाइन देखो ना, मतलब आप ये फील करो कि यार उस समय इतना ज़्यादा अच्छा किस तरीके से बनाया जाता होगा। तो ये लोथल के हैं। अब गाइस हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मैप की बात कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी है, फिर हम लोग चैप्टर पे ज़रूर जाएंगे। तो हमारा जो मैप है वो यहाँ पर है, ये रहा आपका मैप गाइस। आपको इन मैप में कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है, जो कि आप चाहे तो डे वन से शुरुआत करो, मैं चाहूँगा कि आप आज ही से जो है इन चीज़ों को अंडरलाइन, गोला या अपने मैप में भरना शुरू कर दो, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, फिर यहाँ पर ये आपका है कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी, इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो है लोथल, ठीक है, नागेश्वर, धौलावीरा, चंददुड़ो और बालाकोट, फिर यहाँ पर कोट दीजी का उतना ज़्यादा कोई महत्व नहीं है आपके चैप्टर में, लेकिन फिर भी। और ये सबसे ज़्यादा जो मेन है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो इस
बड़ी विकराल सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को कि किस तरीके से उनकी सभ्यता रही होगी, उन लोगों ने कैसे अपने इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है उस टाइम के पूरे नगर को बनाया होगा। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे पास में उनके लिपि को पढ़ने के लिए कोई भी तरीका नहीं है कि हम उनकी जो लिपि है उसको पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। तो बेसिकली जो चीज़ें मिलेंगी जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि वो मृदभांड हो, चाहे तो उनके घर हो, चाहे तो उनके घर के बनाए गए डिज़ाइन हो, इन सब के बारे में डिटेल से समझ करके जो है हम इनकी हिस्ट्री को तैयार करने की, उसका खाका तैयार करने की जो है कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पहला पार्ट, यानी कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो रही है और आपको सबसे पहले क्या समझना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे पारिभाषिक शब्द, यानी कि जो हम लोगों ने इस संस्कृति को नाम दिया है उसके बारे में, कहाँ पाया जाता है ये इसके बारे में, और साथ में हम लोग बात करेंगे इसके काल के बारे में। काल का मतलब हो गया कब से कब तक, टाइम पीरियड के बारे में। तो पारिभाषिक शब्द के अकॉर्डिंग देखिए, इस संस्कृति को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हम सारे लोग जानते हैं कि इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं और हड़प्पा सभ्यता से ही चलता है। लेकिन दोस्तों इसका एक और दूसरा नाम भी है जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आप दोनों में से किसी को भी सुनेंगे ना तो सेम के बारे में आपको सोचना होगा। एक बात आपको और भी खास ध्यान रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ये पूरी है। आप सिर्फ वो मत समझ लेना कि इस वाले मैप में, जो आपको मैप दिखाता हूँ मैं, ये वाला जो मैप है इसमें जहाँ पर हड़प्पा लिखा है सिर्फ उतनी ही सभ्यता थी, नहीं। ये जो आप ये पूरा मैप देख पा रहे हैं इसमें जो जो जगह है गाइस, यहाँ तक ये पूरी हड़प्पा सभ्यता थी। इसी को हम जो है इंडस वैली सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, या फिर इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये जितने भी स्थान है गाइस ये सारे इसी सभ्यता के हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप जो है इतनी सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनकी जगह की, तो ये जगह भारत से लेकर के जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान और उधर अफगानिस्तान तक भी देखने को मिलती हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों की जो प्लेसेस हैं वो सारे इतनी इतनी दूर तक देखने को मिले, ज़मीन में खोदने पर मिले। तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वो काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसके काल की, तो काल इसका जो है तकरीबन 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया जाता है। अब आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोग रह रहे हैं सन 2020 में, जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो और हो सकता है आप इसी के आसपास में ही वीडियो देखेंगे, उसके बाद में जो है ये वीडियो नहीं रहेगा यहाँ पे एक दो साल के बाद में। तो यहाँ पर जो है इस टाइप से अगर आप 2020 साल पीछे चले जाते हैं तो आपको जो सन मिलेगा गाइस वो होगा 0। ठीक है, इससे भी आपको 2600 साल पीछे जाना होगा तो आपको सन मिलेगा आपका 2600 ईसा पूर्व, क्योंकि यहीं से ईस्वी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ईस्वी की शुरुआत से 2600 और साल पीछे चले जाना है तो तकरीबन इतना पुराना हमारा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर मोटा मोटी माने कितनी पुरानी हो गई, तो आप 2020 में 2600 साल और जोड़ दो, तकरीबन इतने साल पुरानी हमारी ये सभ्यता थी। ठीक है, तो इन सभ्यताओं में, और दोस्तों एक बात आपको और भी याद रखनी है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये कई सारी संस्कृतियों से मिलकर के बनी है। यहाँ पर कई सारी संस्कृतियाँ थी जिनको हमने हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है। तो मे बी हम जिस हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे, ठीक है, एक परवर्ती हड़प्पा सभ्यता होगी और एक पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता होगी। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि गाइज यहाँ पर क्या हुआ था ना कि जैसे जो चीज़ें ज़मीन से मिली हैं वो बहुत पुरानी भी थी, फिर उसके बीच में काफ़ी सारे टाइम पीरियड बाद में कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इसका मतलब दो अलग अलग सालों की जो चीज़ें हैं, दो अलग अलग टाइप के जो आपके मैप हैं, जो जगह हैं, उनको हमें पढ़ना है, विस्तार से समझना है। हालांकि ये हड़प्पा सभ्यता के मामले में है कि पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कालीन, मतलब पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, लेकिन इनके बीच में डायरेक्ट ये पूर्ववर्ती वाली परवर्ती नहीं बनी है, इनके बीच में कई सारी और भी सभ्यताएँ थी। तो गाइस आप सबसे पहले अब इस चित्र को देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ मनके, ठीक है, कुछ बाट है यहाँ पर, ये बाट दिख रहे हैं गाइस, और कुछ फलक हैं। फलक बेसिकली कुछ काटने पीटने के लिए प्रयोग में ले जाते होंगे। यहाँ पर आप ये जो मनके देख पा रहे हैं, अभी मनके क्या होते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी मम्मी से या अपनी भाभी से या आसपास में कोई जो शादीशुदा औरत हो उनसे कॉन्टैक्ट करिए और उनसे पूछिए आपका मंगलसूत्र है, तो वो डेफिनेटली उनके पास एक मंगलसूत्र होगा ही होगा। ठीक है, मंगलसूत्र, तो उसमें आप देखना कुछ इस तरीके से एक मोती पड़ा होता है,
ठीक है, बीच में, और फिर छोटे छोटे मोती होते हैं अगर इस पुराने टाइप का मंगलसूत्र है तो वो जो मोती होता है ना गाइस, उसी को हम मनका बोल सकते हैं। तो गाइस ये भी कुछ उसी तरीके के आभूषण थे, मनके थे, जिनको जो है हड़प्पा, जितनी भी हड़प्पा सभ्यताएं हैं, जितनी भी जगहों पर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई है, वहां पर ऐसे मनके हमको देखने को मिले हैं। दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और केवल हड़प्पा सभ्यता, जब केवल हड़प्पा सभ्यता लिखा होता है तो इसका मतलब होता है ये बाद वाली सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लिखा है आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्रम भंग था। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं? तो आप कई आधारों पर जो है इस बात की पुष्टि कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ की शिल्पकारी हो गई, वहाँ के मृदभांड हो गए, ठीक है, इन सब के आधार पर हम बोल सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो है हम कई बार कुछ ऐसे जलाए जाने के संकेतों से भी हम बता सकते हैं कि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था, क्रम भंग था, मतलब ये कुछ अलग पीरियड की थी, उसके बाद में कई सारी सभ्यताएं फली फूली, तब जा करके दोबारा से फिर से हमको हड़प्पा सभ्यता देखने को मिली, ऐसी सभ्यता जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। एक और हड़प्पा सभ्यता मिली जिसको हम बोलते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, बीच की जो है उनके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए हम उनको मिसिंग कह सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को मुझे लाइक करके कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसके आगे के जो पार्ट है दोस्तों वो मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं दो टाइप की वीडियो बना सकता हूँ, पहली तो इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको ये दिखाई है, और जो दूसरी वीडियो होगी गाइज वो बोर्ड पर होगी। तो आप मुझे कमेंट करके बात जरूर बताएं कि आपको जो वीडियो चाहिए वो बोर्ड पर चाहिए, या फिर आपको इस तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं प्रेजेंट करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करूँ। तो जैसा भी आप बताएंगे मैं वैसे ही आगे की वीडियोज लेकर के आता रहूँगा, और इसका अगला पार्ट आएगा वन वीक के बाद में, जिसमें मैं सारे लोगों के कमेंट्स देखूंगा। अगर इस वीडियो पर 20 भी कमेंट हो जाते हैं तो दोस्तों अगला पार्ट कंटिन्यूअसली उसी दिन से आना शुरू हो जाएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि एटलीस्ट 20 लोग ऐसे हैं जो 12th क्लास के अभी मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी ये वीडियो पूरी देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें, चाहे आप जब भी देख रहे हो आप डेट जरूर मुझे कमेंट करके बता देना कि आपने वीडियो इस तारीख को देखा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए यूट्यूब चैनल फुल ऑन राइट।